देख तो पेन रख के आ गए लेके कोई बात तो क्या बोल रहे हैं 430 स्ट्राइक प्राइस बेचा है 470 स्ट्राइक प्राइस बेचा है ठीक है 430 का पुट और 470 का कॉल तो दोनों बेच के कितना रुपए प्रीमियम आया दोनों बेच के कितना रुपए प्रीमियम आया फिफ्टी टू बावन रुपया आया फिफ्टी टू ठीक है अब हम लोग को बोल रहे पे ऑफ निकालो छो कॉलम बना लो छो कॉलम बना लो एस टी तो एस टी क्या क्या हो सकता है फोर फोर्टी फाइव थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी और क्या हो सकता है पी माइनस का क्या पे ऑफ है और क्या हो सकता है C माइनस का क्या पे ऑफ है तो P माइनस एट द रेट क्या है बोलना 430 थर्टी सी माइनस एट द रेट क्या है बोलना एक्सीलेंट उसके बाद में कंबाइंड पे ऑफ कंबाइंड पे ऑफ उसके बाद में क्या होगा बोलना प्रीमियम और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट तो p माइनस फोर तो जीरो जीरो यहां पर क्या हो जाएगा सेवेंटी c माइनस एट द रेट फोर सेवेंटी तो जीरो जीरो फिफ्टी कंबाइंड पे ऑफ जीरो सेवेंटी फिफ्टी प्रीमियम फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू निकाल लो आंसर आ जाएगा तो यहां पर आ गया 52 टू यहां पर आ गया 18 और यहां पर आ गया 2 डना डंडन इधर देखो ये बना लो अब इधर देखो ये बन गया तो अब धीरे धीरे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट हेडिंग लगाना पुट कॉल पैरिटी पीसीपी पुट कॉल पैरिटी हाँ बोलो कौन क्या बोल रहा है हाँ हाँ तो क्या हैलो हाँ ए? अरे इन दोनों का टोटल है भाई ये क्या कर रहे तुम नींद में है क्या हाँ प्रीमियम माइनस ये अरे तुम समझ नहीं रहे हो तुमको 52 तुम कैसे भी कर लो ना ये माइनस है और ये प्लस है अब इधर सुनो। तुम लोग को लग रहा होगा ना कि इस चीज का इसको पच्चीस हजार रुपए दिए तो हम घर पे भी पढ़ लेते ऐसा है नहीं देख के लग रहा कितना इजी है पढ़ के देखना एक तो चाप्टर। चाप्टर पढ़ के देखना ठीक है अब सुनो जैसे कॉल के बारे में सोचो सोचो एक बार बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर के बारे में सोचो कॉल राइट टू बाय राइट टू बाय का मतलब क्या है एक तो मेरे पास कॉल ऑप्शन होना चाहिए और जब मेच्योरिटी पे एक बार के लिए मान के चलो यूरोपियन ठीक है मेच्योरिटी पे मेरे पास कुछ और भी होना चाहिए क्या कॉल ऑप्शन क्या है राइट टू बाय सोच के देखो क्या चीज बाय शेयर प्राइस एट ए स्पेसिफाइड प्राइस तो मेच्योरिटी जब आएगा यूरोपियन में और अगर मेरे को एक्सरसाइज करना है तो मेरे को क्या चाहिए होगा पैसा अरे पैसा होगा तो ही तो खरीद पाएंगे ना एट स्पेसिफाइड प्राइस इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल ठीक है कवर्ड कॉल का मतलब क्या है तुम फाटका नहीं कर रहे तुम्हारा असली में इंटेंशन है करने का खरीदने का कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है बात को समझो क्या होता है तुम कॉल के संग में हमेशा कैश को मिलाएगा क्यों क्योंकि तुमको मेच्योरिटी पे पैसा चाहिए होगा तो योर कॉल ऑप्शन यू आर बैकिंग यू आर बैकिंग इट विथ अ कैश जो कॉल ऑप्शन है यू आर बैकिंग इट विथ योर कैश राइट टू बाय एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ठीक है अब पुट के बारे में सोचो पुट के बारे में सोचो राइट टू सेल ऑन मेच्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस क्या तो पुट एक ऑप्शन हो गया अब अगर मान लो तुम पुट को एक्सरसाइज करेगा तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए शेयर सिंपल है इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट तुम फाटका नहीं कर रहे तुम पुट को शेयर से कवर करके रखा है ठीक है तो तुमको डर किस चीज का लग रहा है तुमको डर किस चीज का लग रहा है कहीं गिर ना जाए तो बोल के तुम पुट खरीदा है और कॉल में तुमको डर किस चीज का लग रहा है कहीं बढ़ ना जाए तो तुम कॉल खरीद के रखा है अरे मतलब तो यही है अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है मेच्योरिटी तक आ जाएगा एक महीना छह महीना पांच महीना जो भी है तुमको डर किस चीज का लग रहा है कहीं ना जाए तो कॉल खरीद लो ठीक है तो पुट कॉल पैरिटी में फॉर नॉन डिविडेंड पेइंग नॉन डिविडेंड पेइंग यूरोपियन ऑप्शन सब चीज सेम है स्ट्राइक प्राइस और तुम्हारा मैच्योरिटी सब चीज सेम है ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे S0 जीरो प्लस पी ब्रैकेट मत दो ये हम बहुत ज्यादा डिजाइन कर दी। S0 जीरो प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K। अरे स्ट्राइक प्राइस व्हिच इज अ राइट टू बाय वो तुमको मैच्योरिटी पे चाहिए होगा ना तो आज क्या चाहिए उसका प्रेजेंट वैल्यू तब जाके मैच्योरिटी पे ये क्या हो जाएगा के ठीक है <laughs> अब एक चीज भी देख लो अब मेच्योरिटी पे इन दोनों पोर्टफोलियो का सेम होगा पे ऑफ चाहे कुछ भी हो जाए शेयर प्राइस सेम होगा एकदम ठीक है एक तो एग्जांपल लेके दिखा देते हैं जैसे मान लो स्ट्राइक प्राइस है छत्तीस स्ट्राइक प्राइस है छत्तीस हजार ठीक है दोनों का पे ऑफ सेम होगा ये बोले। दोनों का पे ऑफ सेम होगा ठीक है अब पे मान लो, तुम्हारा चला गया छत्तीस हजार आठ सौ ठीक है छत्तीस हजार आठ सौ चला गया तो पुट वाला जो पोर्टफोलियो है उससे क्या होगा एस जीरो मेरा क्या चल रहा है छत्तीस हजार आठ सौ और पुट से मेरे को कितना रुपया आएगा जीरो सोचो कॉल में क्या है सी जीरो तो कॉल ऑप्शन से कितना रुपया आएगा आठ सौ और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के था तो वो मेच्योरिटी पे क्या बन जाएगा के विच इज दोनों से तुम्हारा सेम पे ऑफ हो आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस अगर दो चीज का मेच्योरिटी का दाम सेम है तो उसका आज का दाम भी सेम होगा अगर दो चीज का मेचोरिटी का दाम सेम है तो उसका आज का दाम भी सेम होगा क्लियर एवरी वन इज इट क्लियर ओके ठीक है इसको लिख लो खाली ये फॉर्मूला लिख लो एक चीज बोले यहां पर एक वर्ड लिखे नॉन डिविडेंड पेइंग नॉन डिविडेंड पेइंग क्यों लिखे कोई बता सकता है हाँ क्योंकि नहीं तो डिविडेंड को लेकर लफड़ा हो जाएगा लफड़ा कैसे हो जाएगा इसमें तो कोई डिविडेंड नहीं है क्योंकि इसमें तो कैश है और कॉल है बट इसमें डिविडेंड है क्योंकि इसमें शेयर है तो बेसिकली पुट वाला पोर्टफोलियो डिविडेंड छोड़ेगा कॉल वाला नहीं छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए एस जीरो प्लस पी जीरो इज इक्वल टू सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के लिख लो एस जीरो प्लस पी जीरो बोलते हैं पुट पोर्टफोलियो या फिर प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्टिव पुट कवर्ड कॉल अब जैसे ये वाला चीज बहुत जरूरी है नॉन डिविडेंट पेइंग अब अगर मान लो डिविडेंट पेइंग एग्जाम में दे देगा तो क्या बोल देंगे सर नहीं सिखाया नहीं क्या करेंगे अब अगर मान लो तुम्हारा डिविडेंट पेइंग एग्जाम में आ जाएगा तो उसको क्या बनाएंगे नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर प्राइस क्या है शेयर प्राइस क्या है फ्यूचर में जो भी सारा डिविडेंट मिलेगा उन सबका प्रेजेंट वैल्यू तो जितना मेरा टाइम पीरियड रहेगा उसमें जो भी डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे शेयर प्राइस से तो क्या बन जाएगा मेरा शेयर नॉन डिविडेंड पेइंग क्लियर एक एग्जांपल लिखो इस पे सिक्स मंथ कॉल ऑप्शन इज व्हाट थर्टी टू एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है मेरा ढाई सौ एस जीरो मेरे को दे दिया है टू सेवेंटी वन हम लोग को आई टू दे दिया है छह परसेंट ठीक है हम लोग को पी जीरो निकालने बोल रहे बहुत सिंपल है कैसे सिंपल है सबसे पहले कॉल वाला पोर्टफोलियो देखो कॉल पोर्टफोलियो तो कॉल पोर्टफोलियो में क्या होगा 32 प्लस बोलिए मुंह से बोलिए 32 प्लस 250 फिफ्टी इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री टू दी पर माइनस टू क्योंकि छह परसेंट के है आई टू तो आई टू बाई टू क्या हो जाएगा तीन परसेंट मैंने सॉरी मैं गलत कर दिया हाफ इफेक्टिव रेट इज वॉट थ्री परसेंट तो इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री टू दी पावर माइनस वन ठीक है तो ये मेरा कॉल पोर्टफोलियो हो गया अब दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट पुट पोर्टफोलियो तो पुट पोर्टफोलियो में क्या क्या है बोलिए एक बार बोलिए ना एक बार पुट पोर्टफोलियो में क्या क्या है टू सेवेंटी वन है और क्या है पी जीरो है दोनों को इक्वेट करके पी जीरो निकालो अब एक चीज को समझना अभी तो हम बोल दिए कि लॉ ऑफ वन प्राइस फॉलो करता है लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलता है अगर दो चीज का मेच्योरिटी वैल्यू सेम है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होगा अभी तो हम ये बात बोल के निकल गए अब एग्जाम में सम्स आ आर्बिट्रेज पे आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है दो पोर्टफोलियो है कॉल वाला पुट वाला दोनों का दाम अलग अलग आ रहा है बात को समझ लेना तो अगर दोनों का दाम अलग अलग आ रहा है मतलब लॉ ऑफ वन प्राइस तो फॉलो नहीं होगा तो उस केस में आर्बिट्राज कैसे करेंगे आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है रिस्क लेस प्रॉफिट हमेशा हम लोग क्या करते हैं जो महंगा होता है उसको सेल करते हैं और जो सस्ता होता है उसको बाय करते हैं अगर मान लो महंगा वाला हम तो बताता बताते आर्बिट्राज होता कैसे है अगर पुट का दाम कितना आ रहा है थ्री पॉइंट सेवन टू ठीक है थ्री पॉइंट सेवन टू जैसे मान लो महंगा वाला का दाम चल रहा है दो सौ साठ सस्ते वाले का दाम चल रहा है 240 तो तुम महंगा वाला को बेचा तो क्या मिला 260 खरी खरीद सस्ता वाला को खरीदा तो क्या मिला ठीक है आज दाम में डिस्क्रिपेंसी हो सकता है लेकिन मेच्योरिटी में दोनों का एकदम सेम होगा आज दाम में डिस्क्रिप आज तुमको कितना रुपया आ गया अब तुम जब देखेगा मेच्योरिटी में तुम देखेगा दोनों पोर्टफोलियो का वैल्यू एकदम सेम आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग पुट कॉल पैरिटी जब किए तो समय मैंने एक एग्जाम्पल में दिखाया लॉ ऑफ वन प्लेस क्या बोल रहे हैं दोनों का अगर मेच्योरिटी वैल्यू सेम है तो वो लोग दोनों का आज का भी वैल्यू सेम होगा लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पोर्टफोलियो का आज का वैल्यू सेम ना हो बट जब हम लोग मेच्योरिटी पे देखेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम तो आज हम लोग को क्या एक्शन लेना चाहिए आज हम लोग क्या एक्शन लेंगे महंगा वाला को बेच देंगे सस्ता वाला को खरीद लेंगे इनिशियली मेरे को प्रॉफिट आ गया क्योंकि दोनों का मेच्योरिटी वैल्यू विल बी सेम ठीक है एक क्वेश्चन लिखो आर्बिट्राज पे कुछ से ट्राई करो फिर हम करवा देंगे लिखो सम्स ऑन आर्बिट्राज फिफ्टी सिक्स 56 P0 इज 4 एस जीरो इज वन सिक्सटी एक्सरसाइज प्राइस इज हंड्रेड आर इज नाइन परसेंट पर एनम ठीक है टी इज सिक्स मंथस ठीक है क्वेश्चन लिखना चेक इफ देयर इज आर्बिट्राज चेक इफ देयर इज आर्बिट्राज पहला क्वेश्चन ठीक है उसके बाद लिखना इन सिक्स मंथ्स इन सिक्स मंथ्स एसटी कैन बी एस टी कैन बी टू हंड्रेड और एट्टी इन सिक्स मंथस एस टी कैन बी टू हंड्रेड और एट्टी ठीक है इसको ट्राई करिए आराम से करिएगा क्या चीज बेचेंगे क्या चीज खरीदेंगे मेच्योरिटी पे क्या क्या पे ऑफ हो सकता है सब चीज एकदम आराम से सोच सोच के करो टाइम वेस्ट हम लोग करते ही नहीं एक बच्चा आया बाहर हम देखे चले गए एडमिशन मार दिया ऐसे हाँ मैच चला दे हाँ जब फेल हो जाएगा तो पापा बोले बच्चा को क्या पढ़ाए क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग टाइम वेस्ट करते नहीं जैसे हम देखते हैं कि सुबह दस बजे उठें कि आठ बजे उठें तो पाँच बजे तक तो उठ जाते हैं खेल वेल भी लेते हैं हर जैसे खेलने से पूरा पसीना हो जाता है तो घर जाके आएंगे तो दो घंटा वेस्ट हो जाएगा यही अपना नहाने वाने का सामान रख लिए यही आके नहा लेते हैं आठ से दस एक बैच मार देते हैं तो घर जाएंगे। जैसे खेलने वाला जगह दूर है वहां से घर जाएंगे फिर आएंगे तो दो घंटा वेस्ट हो जाएगा ना वही दो घंटा करके तो बैच वो मार देते हैं ऐसा ठीक है तो ये वाला कैसे होगा बताओ अब जैसे सबसे पहले इसमें चेयर प्राइस चल रहा है 160. तो सबसे पहले तुम उसका मैच्योर पोर्टफोलियो बना लो. P0 प्लस S0 कितना आ रहा है? P0 प्लस S0 आ रहा है 160. C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K कितना आ रहा है? C0 कितना दिया हुआ हम लोग को? 56. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K. K कितना है मेरा? तो छह महीने का है ना तो हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन टू पावर माइनस पॉइंट फाइव अब ये दोनों का वैल्यू कितना कितना आ रहा है पहले ये बता दो पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना आ रहा है पुट पोर्टफोलियो का वैल्यू आ रहा है वन सिक्सटी फोर और कॉल पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना आ रहा है वन फिफ्टी वन पॉइंट सेवन एट तो जो महंगा है उसको क्या करेंगे बेच देंगे सस्ता वाला को बाय कर लेंगे तो मेरा इमीडिएट प्रॉफिट कितना हो गया मेरा इमीडिएट प्रॉफिट कितना हो गया 164 सिक्सटी फोर माइनस वन जल्दी से बोलो 12.22 ये मेरा क्या हो गया इमीडिएट कैश इनफ्लो अब मेच्योरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं एक केस हम करेंगे एक केस तुम लोग करेगा अब अगर मेच्योरिटी पे दोनों का पे ऑफ मिल रहा है या फिर मेरे को मेच्योरिटी में भी फायदा हो रहा है तो फिर बढ़िया बात है तब तो आर्बिट्राज हुआ ना अब देखो मेच्योरिटी पे मान लो 200 हो गया 200 हो गया ठीक है 200 वाला केस कर लो तो 200 मतलब तुम्हारा एक्साइज प्राइस कितना चल रहा है एक्साइज प्राइस कितना चल रहा है तो तो कॉल ऑप्शन से कितना आएगा सौ और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक अब कितना बन जाएगा तो मेरा टोटल कितना हो गया दोस्तों अब पुट वाला का करो तो पुट वाला में शेयर प्राइस कितना हो गया दोस्तों और पुट वाला क्या हो जाएगा लैप्स तो देखो दोनों में सेम पे ऑफ आ रहा है यही से अब देखो एक बेचे और एक खरीदे हैं अरे भाई एक बेचे और एक खरीदे है ना तो दोनों का नलीफाई हो जाएगा तो दोनों से थोड़ी तो दो सो आएगा कौन सा वाला बेचे हैं बोलना तो पुट वाला पोर्टफोलियो बेचे हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे दो सो और एक वाला पोर्टफोलियो खरीदे हैं तो उसको बेचेंगे मतलब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो गया दो सो दो अरे भाई जो पोर्टफोलियो बेचा है उसमें कुछ ने जो पोर्टफोलियो बेचा उसमें कुछ आ रहा होगा और जो पोर्टफोलियो खरीदा उसमें कुछ आ रहा होगा तो दोनों तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ना एक तरीके से ठीक है कोई चीज को बेचा है और अगर उसको स्क्वायर ऑफ करें मतलब उसको तुम खरीद रहे तो खरीदते टाइम तुम्हारा पैसा लगेगा और कोई चीज को खरीदा है तो अब तुम उसको बेच रहे हो मतलब तुम्हारा पैसा आएगा तो एक से दो सौ जाएगा एक से दो सौ आएगा बेचा किसको है फूट वाला को बेचा है तो इसमें दो सौ रुपया लगेगा और खरीदा किसको है कॉल वाले को तो इसमें सौ रुपया आएगा तो नेट नेट तुम्हारा क्या हो गया जीरो ठीक है अब देखो इमीडिएट मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ट्वेल्व पॉइंट टू टू विथ नो रिस्क ऑफ फ्यूचर लॉस अब अस्सी में भी करेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा अस्सी में भी अगर करेंगे अस्सी वाला कर लो एक बार अस्सी वाले में क्या हो जाएगा कॉल ऑप्शन लैप्स ठीक है और यहां पर सौ आ गया तो सौ यहां हो गया चे प्राइस कितना चल रहा है अस्सी और पुट ऑप्शन से बीस तो यहां पर भी सौ आ गया अब ये वाला आपको खरीद लेंगे तो सौ रुपए गया ये वाला आएगा पैसा तो जीरो हो गया नेट में अब एक ठोर कर लो आर्बिट्राज पे एक और कर लो आर्बिट्राज पे सी जीरो ट्वेंटी सिक्स जीरो टू एस जीरो हंड्रेड ई तुम्हारा हो गया एट्टी आर तुम्हारा हो गया परसेंट पर एनम टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा थ्री मंथ्स ठीक है शेयर प्राइस जो आज हंड्रेड है वो या तो वन फिफ्टी हो जाएगा या फिर फिफ्टी हो जाएगा चलो आर्बिट्राज करके दिखाओ मैच्योरिटी पे दोनों का सेम है तो ऑफ वन प्राइस क्या बोलता है कि दोनों का आज का भी दाम सेम होगा बट अगर सेम नहीं है तो फिर क्या होगा आर्बिट्राज ठीक है सॉल्व करिए इसको ओके okay. तो अब अगर हम लोग देखें यहां पर तो कॉल ऑप्शन का क्या हो जाएगा 26 प्लस 80 कितना होता है 106 और पुट ऑप्शन का क्या हो जाएगा बोलो पी जीरो प्लस एस जीरो ना तो कितना हो रहा है टू प्लस क्या हो रहा है तो ये वाला हम लोग करेंगे हम्म 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 नहीं होगा यहां पर ट्वेंटी सिक्स प्लस एट्टी इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन टू दी पावर माइनस हम्म अब कितना आ रहा है बोलना वन जीरो वन जीरो फोर पॉइंट टू नाइन ठीक है और यहां पर आ रहा है एक सौ दो तो क्या होगा इसको करेंगे सेल इसको करेंगे बाय, तो कितना रुपया आ जाएगा हाथ में टू पॉइंट टू नाइन आ जाएगा ठीक है तो टू तो पॉइंट टू नाइन आ गया अब मेच्योरिटी पे करेंगे तो दोनों का सेम आ रहा है हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यस 150 वाला तो अगर 150 हो गया मान लो तो 150 में कॉल का एक्सरसाइज प्राइस क्या है 80 तो 70 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक 80 तो कितना हो जाएगा और पुट में क्या हो जाएगा 150 प्लस ठीक है रिद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना एस जीरो तुमको दिया हुआ है एट फोर्टी के तुमको दिया हुआ है नाइन हंड्रेड सी जीरो तुमको दिया हुआ है पंद्रह तुमको दिया हुआ है सिक्स मंथ्स आई दिया हुआ है एट परसेंट पर एनम लिखना कंपनी हैज अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज ट्वेंटी पेबल थ्री मंथस फ्रॉम नाउ कंपनी हेज अनाउंस डिविडेंड ऑफ रुपीज ट्वेंटी पेबल थ्री मंथ फ्रॉम नाव कैलकुलेट पुट प्रीमियम सबसे पहले इसमें हम लोग को चेयर प्राइस को नॉन डिविडेंट पेइंग बनाना पड़ेगा एट फोर्टी माइनस ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट जीरो माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को माइनस करके शेयर प्राइस को नॉन डिविडेंड पेइंग बनाओ और बताओ कितना आ रहा है इसको हम नाम दे एस जीरो स्टार अब पूरा सम में एस जीरो यूज नहीं होगा एस जीरो स्टार यूज होगा बताओ कितना आ रहा है जोर से बोलो एट ट्वेंटी पॉइंट थ्री एट ठीक है अब मेरे को शेयर प्राइस पता लग गया पीसीपी -पी लगा दो एट पॉइंट थ्री एट है ना तो एट पॉइंट थ्री एट एस जीरो प्लस पी जीरो इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक नाइन हंड्रेड इंटू नाइन हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो एटी पर माइनस जीरो पॉइंट सॉरी क्या महीने का क्या अरे बोलो ना अरे बोल रही नहीं रहे बताओ तो पी जीरो कितना होगा ठीक है ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग वो कर लेंगे फायनोमल मॉडल का प्राइसिंग करेंगे शेड्यूल के हिसाब से देखो तो क्लास कब अपना अगला, कल सेकेंड आप में है ना हाँ तो कल क्लास होगा थैंक यू